घर में खूब चहल पहल और रौनक थी, और होती भी क्यों ना। आखिर इकलौते बेटे की शादी जो थी, सब लोग अपने अरमान और शौक पूरे करने में लगे हुए थे। ऐसे में मेरी तो खूब सामत आई थी। दिन रात माँ के साथ बाजारों के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी थी। सिर्फ बाजारों के चक्कर लगाने की बात नहीं थी, बल्कि घर आकर ढेर सारे मेहमानों को भी डील करना पड़ता था। शादी से 15 दिन पहले ही आकर डेरा जमा कर बैठ गए थे। मेरी बड़ी बहनें तो खूब ऐश में थी, भाई से पहले ही शादियां करके अपने घरों में बस चुकी थी। अब ससुराल वालों ने भी भाई की शादी में भी आने के लिए सिर्फ 3 दिन पहले की ही इजाजत दी थी। वो दोनों तो उधर अपने ससुराल में मौज उड़ा रही थी, जबकि इधर मेरी जिंदगी हाजिर हो चुकी थी। अभी भी शाम 4 बजे का वक्त था। मैं आज सुबह 4 बजे की उठी हुई थी। वजह मेहमानों के साथ आए बूढ़ों और बच्चों की भूख थी, जिसके लिए मुझे खाली पेट ही किचन में करना पड़ा। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों और बूढ़ों के लिए नाश्ता बनाया था। मेरा इरादा अभी और सोने का था, मगर हाय रे मेरी किस्मत, बच्चों के शोर से बाकी लोग भी जाग गए थे। अब एक मैं अकेली जान थी और पूरे का पूरा टावर इकट्ठा हो चुका था। काश मेरी शादी भाई की शादी से पहले ही हो जाती तो थक हार कर घर के कामों से बचने के लिए मेरे दिमाग में यही हल आया था। खैर मरती क्या ना करती कि आखिरकार मैंने भी दुपट्टा अपनी कमर पर कस कर बांध लिया और नाश्ता बनाने लग गई, जिसमें मुझे कोई 2 घंटे से लग गए थे। नाश्ते से फ्री होकर बर्तनों से भरा पड़ा सिंक मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता भी किया, फिर उठ के बर्तन धोने लगी। वो तो शुक्र था कि सफाई के लिए मौसी ने अपनी बेटियों को उठा दिया था। एक ने जल्दी से जल्दी बिस्तर उठाए और दूसरे ने फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगा दिया। तो मैं नाश्ते और बर्तनों से फ्री हुई तो दिन के खाने की तैयारी का समय हो गया था। मैं साथ ही साथ इसमें बिजी हो गई कि दिन का खाना बनाते बनाते दिन के 4 बज गए थे। तभी मैं थोड़ी देर आराम करने कमरे में चली गई तो माँ कहने लगी, मेरे पास आई और मुझसे कहीं कि बाजार चलना है, तुम मेरे साथ चलो। माँ बूढ़ी थी तो उनकी इतनी चीजों की समझ नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मुझे माँ की बात माननी पड़ी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और फिर कमरे से बाहर आते ही माँ से कहा, माँ मैं तैयार हूँ, चलिए। यह कहते ही साथ मैं बाहर दरवाजे की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजे खोलने के लिए हाथ बढ़ाए, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक बार तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। दरवाजे के सामने ही कानपुर वाली बुआ अपने काले कलूटे बच्चों की लाइन लगाए खड़ी थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए उनको अंदर आने की जगह दी। इतने में माँ भी आ गई और बुआ को देख कर माँ ने फौरन पर्स छुपा लिया था, क्योंकि उनको पता चल गया जाए तो हम कहीं जा रहे हैं। तो माँ ने आंखों ही आंखों में मुझे भी प्लान कैंसिल करने के बारे में बता दिया था। मैं तीखी नजरों से बुआ को देखती हुई कमरे में आ गई थी। मेरे कमरे में छोटे बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने फौरन सबको डांट कर कमरे से बाहर निकाला, एक दो को तो बाकायदा लगा भी दी थी। फिर मैंने अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया, पर्दे बराबर किए और गधे घोड़े बेचकर सो गई थी, क्योंकि जागती रहते फिर से चाय पानी रोटी के इंतजाम करने पड़ते। लेकिन उस वक्त मैं बहुत थक गई थी। नींद में 2 बार मुझे अपने कमरे का दरवाजा बजता हुआ महसूस हुआ। मैं सोती रही, मेरी आँख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। हाथ मुंह धोकर बाहर आई, जहाँ खाने का सेशन स्टार्ट हो चुका था। सारे खाना खा रहे थे, खुदा जाने किसने बनाया था खाना। देने वाली तो मेरी माँ और उनके साथ मौसी की 2 बेटियां थी। मैं भी किचन में आ गई थी, लेकिन किचन का हाल देखकर मैंने एकदम से अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मैं जो दिल ही दिल में बड़ी खुश थी कि चलो खाना तो बन गया है, मुझे आसानी होगी, लेकिन अब किचन का हाल देखकर मेरे होश उड़ गए। कोई आसानी नहीं हुई थी, उल्टा मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। पूरा किचन बिखरा पड़ा था, एक एक कैबिनेट खुला पड़ा था और एक एक कैबिनेट में कोई भी चीज जगह पर नहीं थी। स्लैब पर छिलकों के ढेर थे और बर्तन सारे अलमारियों से बाहर थे और इधर उधर फैले हुए थे। किचन अलग कप से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अलमारी में कोई भी कप सलामत नहीं है। इन लोगों ने धोने के बजाय अलमारी से निकाल निकाल कर इस्तेमाल किया था। इस वक्त मैं 5 दर्जन से ज्यादा कप्स पड़े मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। यह सब कुछ सही करते करते मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाने थे, और इससे भी ऊपर जो अब खाने वाले बर्तन भी थे उनका तो हिसाब भी कुछ और था।
मेरा पारा एकदम हाई हुआ। ऐसे ही तो नहीं, मैं रिश्तेदार से एक आंख न भाते थे और माने भाई की शादी भी बड़े पापा की बेटी के साथ तय की थी। ना जाने वो आदत और बर्ताव में कैसी थी। खैर, मुझे अपने सोने पर गुस्सा आ रहा था। काश मैं न सोती तो मेरा किचन इन सबके हाथ लगता और ना ही ये हाल होता। मेरा दिल तो कर रहा था एक को इकट्ठा करके घर के बाहर फेंक दूं, मगर अफसोस मैं कुछ तो कर ही नहीं सकती थी। मैं गुस्से का घूंट पीकर बर्तनों को साफ करने में लग गई और जो इन सब पर नहीं निकल पाई थी तो वो बर्तनों पर निकाल रही थी। ऊपर से मुझे बर्तन धोते देखकर हर एक को अपने अपने बच्चे के फीडर की याद आ गई। कभी कोई कहता इसको भी धुल दो, कभी दूसरा कहता कि इसको भी धुल दो। खैर, अगली सुबह फिर मैं जल्दी जाग गई। सुबह 9 बजे तक फ्री हो चुकी थी। मैंने जानबूझकर किचन का दरवाजा जोर से बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे किचन का दरवाजा जोर से बंद करने पर लॉक हो जाया करता था। कमरा लॉक करके मैंने चाबियों को पर्स में डाल दिया और माँ के साथ बाजार चल पड़ी। वैसे तो हमें 2 घंटे तक फ्री हो जाना था, लेकिन इधर उधर की चीजें लेते लेते हमें दिन के 1 बज गए। मैं माँ को लेकर एक होटल आई, वहाँ खाना खाया और बाकियों के लिए वहाँ से पैक करवा लिया। कौन घर जाकर आटा गूंथता और रोटियां पकाता, अच्छा ही था जान छूट गई थी। जब हम लोग वापस घर पहुंचे तो सब परेशानी की हालत में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। मैंने उन्हें देखते ही समझ गई कि जबकि माँ उनको परेशान देखकर परेशानी की वजह पूछनी चाही तो इससे पहले माँ कुछ बोलती, मैंने फौरन कहा, माँ चाबियां तो हमेशा की तरह सामने उस खिड़की के ऊपर ही लगी है, और जहाँ तक बात दरवाजा लॉक होने की है तो किसी बच्चे ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया होगा और बस फिर वो लॉक हो गया होगा। सब्र करें, मैं खोलती हूँ। यह कहते ही साथ ही मैंने खिड़की के साथ साथ लगी चाबी उतारी जो मैंने अभी ही लगाई थी और दरवाजे को अनलॉक कर दिया। मेरा नाम आलिया है, मेरी उम्र 29 साल है। मुझसे बड़ी 2 बहनें थी, मैं माँ और पापा की तीसरी बेटी थी, लेकिन मेरे कदम मुबारक साबित हुए थे। पापा पुलिस वाले के साथ ड्राइवर थे, पुलिस वाले की तरक्की हुई, पापा को उनके साथ ही शहर शिफ्ट हो जाना था। माँ के कहने पर पापा ने उनसे सिफारिश की कि वो पापा को पूरी फैमिली के साथ शहर लाने की परमिशन दें। अफसर मान गया, उनके रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला था। उन्होंने पापा को अपने साथ ही रहने के लिए जगह भी दी, मगर पापा ने इनकार कर दिया और वही क्वार्टर के पास 1-2 कमरों वाला मकान किराए पर ले लिया था। 1 हफ्ते में ही हम सब शहर शिफ्ट हो गए थे। हमारे खानदान में से कोई भी ऐसा नहीं था जो शहर में रह रहा हो। हम पहले थे जो गांव छोड़कर शहर आकर शिफ्ट हुए थे। माँ और पापा दिन रात मुझे दुआएं देते थे, उनको मेरे कदम मुबारक लगते थे। वो लोग मुझे घर की लक्ष्मी कहते थे। ये चीज मुझे छोटी ही उम्र में घमंड में मुब्तला कर दी गई। हमारे घर में जब भी कोई रिश्तेदार आता तो मैं उनको हिकारत की निगाह से देखती थी। रिश्तेदारों से तो मेरा कोई लगाव नहीं था, मुझे मेरा कोई भी रिश्तेदार पसंद नहीं था। वजह उनकी गंदगी और अकल कम होना था। अभी भी उनको हमारे घर आते जाते कितना समय हो गया था। इंसान एक दूसरे को देखकर ही चालाक हो जाता है, मगर इनमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो सदा के जाहिल और गवार ही थे। मेरे जन्म के 2 साल बाद ही मेरे भाई का जन्म हुआ, तो जिसके आने से हमारी फैमिली पूरी हो गई। वक्त गुजरता गया, हम सब बड़े हो गए। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादी यहाँ शहर में हुई थी, मुनासिब और अच्छे थे, इसीलिए अब पापा ने देर करना ठीक नहीं समझा और जल्द ही जल्द उनको उनके घर कर दिया था। उसके बाद मेरे भी 2 से 3 रिश्ते आ चुके थे, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे। दूसरा, मैं अभी पढ़ाई करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अभी शादी के बारे में कोई खास इच्छा नहीं दिखाई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन हम रात के खाने के बाद बैठे हुए थे, पापा के नंबर पड़े थे। पापा की कॉल आई, उस वक्त वह बीमार थे और पापा को मिलने के लिए बुला रहे थे। अगली ही सुबह पापा और माँ दोनों गांव के लिए निकल गए। बड़े पापा की किडनी खराब हो गई है और वह किसी वक्त मर सकते थे। बड़े पापा ने पापा से अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि अब तुम उनकी बेटी को बहू बना लो ताकि वो सुकून से मर सके। पापा फौरन ही मान गए थे। बड़े पापा बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए 1 महीने बाद की तारीख तय कर दी गई। माँ अपने बेटे की शादी पर सारे अरमान पूरे करना चाहती थी, इसीलिए धूमधाम से शादी की तैयारियां की जा रही थी। दावतों का सिलसिला भी 20 दिन पहले ही शुरू कर दिया गया था और यहीं पर माँ से गलती हो गई थी। अभी शादी में पूरे 15 दिन बाकी थे। गांव के सारे मेहमान हमारे घर टपक पड़े थे। अब 8-9 साल बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे, जो
पापा ने अपनी जमा पूंजी से बनाया था, इसीलिए दिन ब दिन हमारे घर में लोग बढ़ते जा रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से सबको बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन शादी से एक हफ्ता पहले मैं गई थी और मैं बहुत आजीज हो गई थी। मैंने तंग आकर अपनी दोनों बड़ी बहनों को फोन मिलाया और उनकी मिन्नतें की कि वो यहाँ आ जाए, नहीं तो शादी से पहले मेरी किसी न किसी रिश्तेदार से लड़ाई हो जाएगी और फिर बाद में सब मुझसे नाराज होते फिरेंगे। मेरी बहनें मेरी हालत अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए मुश्किल से अपने अपने ससुराल वालों से इजाज़त लेकर हमारे घर पहुंच चुकी थी। मैंने उनको बता दिया था कि अपने बच्चों को सास के हवाले करके ही आना, यहाँ पर पहले ही थोड़ा हुजूम नहीं है और अब मैं रेडियो और बाजा नहीं सुन सकती। बहनों को देखकर मेरी जान में जान आई, मुझे जो बार बार लग रहा था कि मैं भी मर जाऊंगी, बहनों को देखकर फिर से जी उठी थी। मेरी बहनों ने आते के साथ ही मेरे साथ मिलकर पूरा घर अच्छे तरीके से संभाल लिया। यूं उनके साथ एक हफ्ता कैसे गुजरा कुछ पता ही न चला था। इस दौरान हम अपने रिश्तेदारों को देख देख कर अपने होने वाली भाभी पर भी तंज करती रहती कि ना जाने वो कैसी होगी, किस तरह की होगी। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी, अगर वो भी इन सब की तरह गवार हुई तो ना जाने मेरा उसके साथ गुजारा कैसे होगा। ये सोचते सोचते मेहंदी की रात आ गई और हमें रस्म करने के लिए बड़े पापा के घर जाना था। मैं बहुत खुशी खुशी तैयार हो रही थी क्योंकि अब 3-4 दिन का खाना और बर्तन कैटरिंग वालों के जिम्मे था, मेरी तो मौज ही हो गई थी। मैंने अपनी होने वाली भाभी के जैसा ही सूट लिया था, बस मेरी ज्वेलरी थोड़ी हल्की फुल्की थी। मैंने तैयार होकर खुद को शीशे में देखा, फौरन मैंने खुद की नज़र उतारी थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं दुपट्टा सेट करती हुई खुशी से घर वालों के साथ भाई और भाभी की रस्म करने के लिए निकली थी, मगर मैं वहां जानती थी कि बहुत जल्द मेरी सारी खुशियां मंद पड़ने वाली थी। मेरे साथ क्या होने वाला इससे मैं अनजान थी। सब लोग बहुत खुश थे, माँ और पापा भी हमारे साथ ही जा रहे थे। मेरी बहनें मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने 2-3 बार उनसे पूछने की कोशिश भी की मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया, मगर अपनी अकल समझ में मैं इतना तो जरूर समझ चुकी थी इन लोगों के बीच कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही, लेकिन वह सब मुझे बता नहीं रहे हैं। खैर मैं भी चालाक थी, मैंने उनसे कहा कि वो नहीं बता रही है तो ना बताए, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। ये सब सोचते सोचते हम गांव पहुंच चुके थे। बड़े पापा के घर में भी अच्छी खासी जगमगाहट थी, पूरे घर को लाइट से सजाया गया था जो रात के अंधेरे में जगमगा कर खूबसूरत लग रहा था। हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया और मुझे तो कोई जमीन पर टिकने ही नहीं दे रहा था। ये बात मुझे हैरान कर दिए जा रहा था। मैं बहुत शॉक्ड होकर कभी एक तरफ देख रही थी कभी दूसरे तरफ। बड़ी माँ और वहां मौजूद सारी औरतें मेरे सदके वारी जाती थी, थक नहीं रही थी। माना कि मैं खूबसूरत लग रही थी मगर इतना भी क्या कि सब मुझे ही घूरने लग गए थे। तो मैं घबरा कर अपनी बहन के कान के पास गई और उससे कहा कि आपी यह सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो मेरी बहन मेरा माथा चूम कर मुस्कुरा पड़ी और उसने मुझसे कहने लगी कि ऐसा कोई बात नहीं आलिया, तुम्हें ऐसे ही ऐसा वैसा महसूस हो रहा है। गांव के यह सब लोग सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे और सना को भी ऐसे ही देख रहे हैं, ज्यादा मत सोचो, अभी जब दुल्हन आ जाएगी तो देखना सब लोग तुम्हें छोड़कर उसकी तरफ देखने लगेंगे और उसको देखने लगेंगे, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। ये कहते साथ ही मेरी बहन एक तरफ को चल पड़ी। खैर थोड़ी देर के बाद मेहंदी की रस्म शुरू कर दी गई। सारे मर्द एक तरफ थे और सारी औरतें एक तरफ। मैं भी अपने होने वाली भाभी के पास ही खड़ी थी। सब लोग बारी बारी आकर उसे मेहंदी लगा रहे थे। सभी मोहल्ले की औरतें थीं। घर की औरतें मेहंदी की रस्म पर अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। मैंने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई थी मगर मुझे वहां न तो कोई मेरी बहन नजर आई और ना ही माँ, बड़ी माँ और ना ही कोई दूसरी औरत। पहले मैंने सोचा कि शायद वह सब मर्दों वाली साइड रस्म करने गई होंगी, लेकिन उन्हें मुझे तो लेकर साथ जाना ही चाहिए था। मुझे यहाँ छोड़कर खुद ही अकेले अकेले रस्म के लिए चली गई। मैं अपने कपड़े संभालती हुई स्टेज से नीचे उतरी और फिर मर्दों वाली साइड पर जाने लगी। जब मुझे मेरा भाई रास्ते में ही मिल गया, मैंने उससे इस बारे में पूछा, उसने कहा कि अभी यह रस्म नहीं हुई है, इसमें थोड़ा वक्त है। तो फिर मैं माँ पापा कहाँ गए हैं और सब औरतें भी कहाँ गायब, यही सोचते इधर उधर घूमती मैं घर के अंदर की तरफ आ गई थी। जब अचानक वो सबको सब मुझे बड़े पापा के कमरे से निकलते हुए नजर आए थे। उन सबका बड़े पापा के कमरे में
क्या काम था, वो भी एक साथ। मेरे दिमाग में एक शक पक्का हो चुका था, जरूर इस घर में कोई न कोई खिचड़ी पकाई जा रही थी। वह किसके खिलाफ थी और क्या थी, इस बात का तो पता भी चलाना था। इसीलिए मैं फौरन अपनी बहनों के पास आई, जिन्होंने मुझे यह कहकर टाल दिया कि बड़े पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए उनकी तबीयत खराबी की वजह से सब उनको देखने कमरे में आ गए थे, बस और कोई बात नहीं है। इतना कहते ही साथ सब लोग मेरे पास से चले गए, जबकि मैं उन सबके रवैये को सोचते हुए वापस स्टेज पर आ गई। कुछ तो था जो यह सब लोग मुझसे छुपा रहे थे, लेकिन अब मैं रिलैक्स हो गई थी, बिल्ली खुद आ ही जाएगी, आखिर कब तक छुपाएंगे मुझसे। मैं पुरसकून सी थी, लोगों से बातों में बिजी हो गई। जान तो उस वक्त निकली जब मेरी बहन ने मुझे पकड़कर स्टेज पर बैठा दिया और एक जालीदार दुपट्टे से मेरा मुंह ढक दिया। मैं हैरान परेशान सब समझने की कोशिश कर रही थी, जब सामने से मुझे अपने पापा, बड़े पापा और भाई मौलवी साहब के साथ आते हुए दिखाई दिए। मेरी होने वाली भाभी को उठाकर अंदर कमरे में ले जाया गया। माँ मेरी बहने और बड़ी माँ मेरे पास बैठ गई। सामने वाले सोफे पर मौलवी साहब, पापा और बड़े पापा बैठे थे और मेरा भाई मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हुआ था। अगले ही लम्हे मौलवी साहब ने जो जुमले बोले मुझे शॉक्ड रह गया। मैं हैरान थी कि यह बेकीनी सी सब कुछ देख रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुना, मगर जब मौलवी साहब ने दोबारा से वही बात दोहराई, मैंने सबको मुंतजिर निगाहों से अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो मुझे अपना शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ था। मैं एकदम से उनकी सारी खिचड़ी समझ चुकी थी, लेकिन अफसोस की बहुत देर हो गई थी। मैं शिकायत भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी, जिन्होंने मुझसे कहा कि माँ कर दो, मेरी बच्ची तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है, मौलवी साहब जो पूछ रहे थे उनका जवाब दो। मैंने एक नज़र सारे मेहमानों को देखा था, जिनका सहारा लेकर मेरे तमाशा बनने वाले थे। मुझे एकदम से अपनी बेबसी पर रोना आ गया। मैं चीख कर रोना चाह रही थी, मगर उस वक्त सिवाय कबूल के कहने के कुछ और नहीं कह सकी। मैं बहुत मुश्किल से 3 अल्फाज कह रही थी और खुद को किसी गहरी खाई में गिरते हुए महसूस किया। मेरा कबूल कहने के बाद हर तरफ मुबारकबाद का शोर सुनाई दिया। तो यह सब कुछ उन सबकी मिली भगत से ही हुआ था। इन सब ने मिलजुल कर जीते जी मेरी कब्र बना दी थी और मेरी कब्र पर मुझसे ही फातियां पढ़वाई गई थी। मेरी आंखों से 2-3 आंसू टूट कर मेरी हथेली में गिरे थे, जिन्हें मैंने मुट्ठी में बंद करके हथेली में रोक लिया और फिर वहां से उठकर निकल गई थी। सब ने मुझे मेरा सरमाना कहा था और आपी और मेरे बहनोई को मेरे पीछे भेजा था ताकि वो मुझे घर ले जाएं, लेकिन कोई भी मेरे अंदर की टूट फूट से वाकिफ नहीं था। मेरी बहन पूरे रास्ते घर आते हुए मुझे छेड़ रही थी, मगर मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा। मैं बस जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। मुझे अपने साथ चली गई इस चाल पर सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। मेरी बहन दरवाजे खटखटा खटखटा के थक चुकी थी, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं उस वक्त अकेले रहना चाहती थी, मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। सबसे पहले मैंने अपने खूबसूरत चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया और फिर उसके बाद चेंज करके कपड़े बेदर्दी से जमीन पर फेंक दिए और बेड के पास बैठकर सर घुटनों में दिए जाते कतार रोने लगी। इन सब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। अपने हमसफर को लेकर मेरे कितने ख्वाब थे, मगर वो सबके सब चकनाचूर हो गए। मैं ना जाने कब तक बैठी रोती रही और रोते हुए वहीं पर सो गई। 6 बजे मेरी आँख खुली तो आँख खुलते ही मेरे जहन में रात वाले सारे मंजर घूम रहे थे। मेरा तो दिल किया कि मैं कमरे से बाहर ही न जाऊं, मगर फिर मेरे इकलौते भाई का सवाल था। आज उसकी शादी भी तो थी, अगर उसकी शादी पर मैं मुंह बनाकर कमरे में बंद हो जाती तो न जाने क्या सोचता। इसीलिए मैंने खुद को संभाल लिया, बाकी सबसे हिसाब किताब तो बाद में हो सकता था। अभी के लिए अकलमंदी यही थी कि मैं अपने भाई की शादी में खुशी शरीक से हो जाऊं। यही सब सोचते हुए मैं उठी और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कमरे से बाहर आई। बाहर सब लोग अभी सो रहे, सिर्फ मेरे भाई के कमरे की लाइट जल रही थी। कुछ सोच कर मैं भाई के कमरे की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर उसके साथ बैठने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई। आधे घंटे बाद घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। खामोशी से नाश्ते के बाद सब लोग बारात ले जाने की तैयारी में मगन हो गए, जबकि मैंने बारात जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी भाभी के वेलकम के लिए तैयारी करूंगी, इसीलिए मुझे घर पर ही रहना है। किसी ने मुझे जोर ना दिया था, यूं मैं घर पर ही रुक गई थी और भाभी के वेलकम की तैयारियां शुरू कर दी। मैं अपनी भाभी की वेलकम को शानदार और यादगार बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने खूब तैयारियां कर रखी थी।
बारात दिन का खाना खाने के बाद यहाँ से तकरीबन 1 बजे निकली थी, पर वापसी पर उनको काफी रात हो गई थी। खैर, मैंने भरपूर वेलकम किया था, किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सबको ही मेरा शानदार वेलकम बहुत पसंद आया। सारी रस्मों के बाद हमने भाभी को भाई के कमरे में पहुंचा दिया था। सब सुकून से पहले अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि मेरे कान भाई के कमरे की तरफ ही लगे हुए थे। कुछ देर के बाद भाई के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी। सब लोग भाई के कमरे के बाहर जमा हो गए। कुछ देर बाद भाई से कमरे से निकले और रोते हुए कहने लगे कि मैंने अपनी दुल्हन को मार दिया। यह सब सुनकर सबको साफ सूंघ गया था, हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने भाई को बचाने के लिए शोर मचा दिया और जोर जोर से रोकर कहने लगी कि दुल्हन ने खुदकुशी कर ली है, वह किसी और से प्यार करती थी, उसके माँ बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती मेरे बेटे से कर दी थी, इसीलिए दुल्हन जहर खाकर मर गई है। आनन फानन हमारे घर मजमा लग चुका था, सब लोग मेरी भाभी को बुरा भला और आवारा कह रहे थे। बड़े पापा और बड़ी माँ भी पहुंच चुके थे, वो लोग रोते हुए बता रहे थे उनकी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन लोगों को तो बस मौज ही मिल गया था। अगर उनकी बेटी ऐसी नहीं तो उसने खुदकुशी क्यों की, कोई तो वजह थी, उसने अपनी जान ले ली, वरना कोई पागल तो नहीं था जो शादी की रात ही अपनी जान ले लेती। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे जबकि मैं चुप एक जगह खड़ी थी। मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था। मुझे रह रहकर अपनी बेवकूफी पर अफसोस हो रहा था और मैं अपने अंजाम से डर रही थी। मेरी वजह से एक अच्छी लड़की पर बहुत इल्जाम लग रहे थे, उसकी मैयत को लोग बुरा भला कह रहे थे और मैं चुपचाप खड़ी थी। मेरी बर्दाश्त की हद यहीं तक थी, सब लोग और भी बातें कर रहे लेकिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। तब मैं एकदम से आगे बढ़ी और जाकर अपनी भाभी की मैयत के पास जाकर खड़ी हो गई और सारे लोगों को सच्चाई बताई। सच्चाई सुनते ही सबके हाथ अपने मुंह पर चले गए, सबको एकदम साफ सूंघ गया। मेरी माँ खतरनाक तेवर लिए मेरी तरफ आई थी और मुझे एक के बाद कई थप्पड़ जड़ दिए। पहले जहाँ सब मेरी भाभी को बुरा भला कह रहे थे, अब वहीं सब उंगलियां मुझ पर उठा रही थी, सब मुझ पर थूक रहे थे। मैं भी थी ही इसी काबिल, माना कि मेरे साथ गलत हुआ था, मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी एक अनपढ़ और जाहिल लड़के से करवा दी थी जो कि मेरे बड़े पापा का बेटा था। मैंने अपने साथ हुए जुल्म का जिम्मेदार सबको ही ठहरा दिया था और बदला सिर्फ अपनी भाभी से लेने का सोचा था और फिर उस दिन सुबह अपने भाई को भाभी के खिलाफ भड़का दिया था। मुझे लगा कि शायद भाभी और भाई के बीच बस थोड़ी सी अनबन हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी भाई इतना गुस्सा हो जाएगा, भाभी को जान से ही ले लेगा। बड़े पापा को उसी वक्त हार्ट अटैक आया और बड़े पापा की भी अपनी बेटी के साथ मौत हो गई। पुलिस आई और मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी। मैं सबसे माफिया मांगती रही लेकिन किसी ने मेरी एक बात भी न सुनी। मैं थी इसी काबिल, घर वालों ने मुझे एक कोने में डाल दिया था, कोई भी मुझे पूछता तक न था और ना ही कोई मेरे साथ बात करता था। ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा था। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, उसके 6 साल गुजर चुके थे। मेरा भाई रिहा होकर आ चुका था, उसकी एक और जगह शादी भी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई मेरा रिश्ता लेकर नहीं आया और मुझे नहीं लगता कोई भी रिश्ता आएगा। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपनी सारी खुशियों को आग लगा दी थी। दोस्तों, आप लोग कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक